सर्वे सेकंड नहीं दिखी आज तुम्हारी यार। अरे ऊपर आ, ऊपर आ। ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने तुम्हें ना एक शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताया था विद साइन, है ना, कि भाई पी ऑर्बिटल में अगर हम मुझे पी ऑर्बिटल में अगर मुझे साइन देखने हैं तो देख लो, एक लोब में पॉजिटिव साइन लगा दो, एक लोब में नेगेटिव, कैसे भी लगा दो, कोई सी भी लोब में पॉजिटिव, कोई सी भी लोब में नेगेटिव, पी के अंदर फिक्स बन रहा है, एक लोब में पॉजिटिव लगा दो, एक लोब में नेगेटिव। डी में जो डायगनली आमने सामने वाली है ना, dxy dyz dxz, इसमें जो डायगनली आमने सामने वाली है इसमें सेम साइन लगाने हैं बस, है ना, ठीक है। और ये dx square minus y square में बिल्कुल जो 180 डिग्री पर है ना, उनमें लगा दो प्लस प्लस माइनस माइनस, और dz square में लोब्स में प्लस और रिंग में नेगेटिव आएगा। फिर मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करी थी, मैंने बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या, मैंने बताया था तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कि हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं तभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिर कोई बोलेगा कि सर ओवरलैपिंग क्या है, मैंने बोला ओवरलैपिंग इज डिफाइन एज पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने जो ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल ये बोले ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, ये जो ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल बोले, इनकी पार्शियल मर्जिंग, कंप्लीट मर्जिंग नहीं, पार्शियली मर्ज होंगे, इस मर्जिंग को ही हम ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे अच्छा ओवरलैपिंग है ना, हमेशा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई बोलेगा कि सर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से आप क्या कहना चाहते हो, मैं बोलूंगा कि देखो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब है सेम साइन ओवरलैप करें, जो ऑर्बिटल्स के जो साइन है ना वो भी सेम होने चाहिए, हमेशा या तो प्लस प्लस ओवरलैप करें या माइनस माइनस ओवरलैप करें, कभी अपोजिट साइन ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर अपोजिट साइन ओवरलैप करते हैं तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुने, ओवरलैपिंग का मतलब है पार्शियल मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल। पार्शियल मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सेम साइन ओवरलैप करने चाहिए, सेम साइन अगर ओवरलैप नहीं किया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सेम साइन ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। इस चीज को मैं बाद में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंड पॉइंट बोला है मैंने, इन ओवरलैपिंग ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम कैन पार्टिसिपेट। हमने बोला है कि ऑर्बिटल मतलब ऐसा एक बॉक्स होता है, मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, मर्जिंग के अंदर या फिर ओवरलैपिंग में। हाफ फिल्ड का मतलब एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन हो वो हाफ फिल्ड होता है, एक भी नहीं हो तो वैकेंट, दो हो तो फुली फिल्ड। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा क्या, हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा हमारा ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फिर बोलेगा कोई मुझे कि सर एक्सटेंट कैसे पता लगाओ, मुझे क्या पता चलेगा एक्सटेंट क्या है ओवरलैपिंग का। तो मैंने बोला बस तीन चीजें याद रखो, पहला एनएस एनएस, एनएस एनपी और एनपी एनपीयू, मतलब एन सेम है, एन का मतलब क्या है प्रिंसिपल बोलो, क्वांटम नंबर। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो जितनी ज्यादा डायरेक्शन होगी उतना ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल वेयर एज एन ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो हम बोलेंगे एस एस में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना पी और पी में है। सेकेंड पॉइंट लिखा है 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s, यहाँ पर डायरेक्शन सभी की सेम है, इसमें हम बोलेंगे सेकेंड पॉइंट में मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस मोर एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट में मैंने बोला है सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम एनर्जी होगी ऑर्बिटल्स की तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा। सेम एनर्जी मतलब 3p 3p की एनर्जी सेम है, 2p 3p की एनर्जी सेम नहीं। इतनी बात क्लियर है? सर एक्सटेंड मतलब एक्सटेंट का मतलब जैसे मान लो दो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करें, एक तो इतना ओवरलैप किया और एक ने थोड़ा ज्यादा ओवरलैप किया, तो ये है यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काम है, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, समझे। यस सर, यस अब सर। देखो नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मुद्दा है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, हमने कोवलेंट में दो टाइप के बॉन्ड पढ़े ना, कौन कौन से, अरे सिग्मा पाई नहीं बताया क्या? हाँ सर बताया। हाँ सर, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग
दो तरह के ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब एक ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, एक से पाई बनेगा, ठीक है। सबसे पहली जो मेरी ओवरलैपिंग है, तो फर्स्ट वन इज कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल या फिर उसका दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, कोएक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या होता है इसमें, हम बोलते हैं पॉइंट नंबर वन, इन दिस एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज देयर कंबाइनिंग एक्सिस, इन दिस एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज देयर कंबाइनिंग एक्सिस। हम बोलेंगे जो कंबाइनिंग एक्सिस है और जो एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल है वो सेम होगा। तो तुम बोलोगे कि सर एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, कंबाइनिंग एक्सिस क्या होता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो मैं बोलता हूं क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने बनाया क्या पी एक्स, पी एक्स कैसा होता है, ऐसा एक्स डायरेक्शन के अलोंग पी एक्स, तो हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल क्या है, यहां पर ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल एक्स एक्सिस है। कंबाइनिंग एक्सिस का मतलब क्या अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल मतलब जिस एक्सिस में ऑर्बिटल है उसकी एक्सिस, है ना। सेकंड पॉइंट, कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे को सिग्मा बॉन्ड बना के देगा, ठीक है, ये हमारे को सिग्मा बॉन्ड बना के देगा। अच्छा इसमें एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं, मार्क करके उसको याद रखें, वैसे तो वो चीज मैंने बता ही दी तुम्हारे को बोल के, बट लिखवा के बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। क्या है वो, जैसे देखो ये पी एक्स था, है ना, दूसरे पी एक्स के साथ ओवरलैप हुआ, है ना, इसी डायरेक्शन में कंबाइन हुए, एक पी एक्स इधर से चलकर आया, दूसरा पी एक्स इधर से चलकर आया, इनका हेड से हेड कोलाइड करे। ओहो ये तो बड़े दिनों बाद आ रहा है ना प्रतिश, तो पहले लास्ट लेक्चर में भी नहीं था शायद, तो बड़े आराम से आ रहा है आधे घंटे बाद। मतलब एक पी एक्स इधर से चल के आया, दूसरा पी एक्स इधर से चलकर आया, तो पी एक्स किस डायरेक्शन से आ रहा था, ये वाला पी एक्स, लेफ्ट वाला पी एक्स किस डायरेक्शन से चल के आया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। यस सर, यस सर, है ना। और ये राइट वाला पी एक्स भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से चलकर आया, तो किस एक्सिस की डायरेक्शन में आके ये कंबाइन हुए हैं, एक्स एक्सिस। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इनका कंबाइनिंग एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस इनका कंबाइनिंग एक्सिस है, और ये खुद भी पी एक्स पी एक्स है, तो इनके खुद के एक्सिस भी एक्स एक्सिस है, इनका कंबाइनिंग एक्सिस भी एक्स एक्सिस है। मतलब इन दिस एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज देयर कंबाइनिंग एक्सिस, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। अब देखो यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भैया ये माइनस साइन ये प्लस साइन, इस लोब का ये प्लस साइन, इस लोब का ये माइनस साइन, क्या ये सेम साइन ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर देखो सेम साइन ओवरलैप हुए लोब के, यस सर। तो हम बोलेंगे यस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हम बोलेंगे हाँ बॉन्ड बन जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता कि सब कुछ सही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो भी रहा है, सब कुछ बढ़िया है एकदम, बट साइन अपोजिट है, प्लस लोब माइनस लोब के साथ ओवरलैप हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, नो, हम लोग बोलेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आई बात, यस सर।
तो साइन सेम होना जरूरी है। अब हम लोग है ना सिग्मा बॉन्ड बनाने की अलग अलग कंडीशंस ले रहे हैं, है ना, कौन कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कैसे कैसे बॉन्ड बनेगा, तो उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा सब कुछ। तो थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो मैं एक क्या बना देता हूँ, टेबल की फॉर्म में तुम्हें समझाऊंगा, टेबल बना देता हूँ एक बढ़िया सी। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? अबे रुक जाओ रुक जाओ, अभी कहानी शुरू हुई है। टेबल में तीन कॉलम है, लेफ्ट और राइट वाले कॉलम छोटे छोटे हैं, बीच वाला कॉलम थोड़ा बड़ा है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग देखो इधर लिखेंगे कॉलम नंबर वन में लिखेंगे क्या है ऑर्बिटल, इधर तो हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल का मर्जिंग कराना है वो, इधर लिखेंगे उनकी कंबाइनिंग एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग कंबाइन करेंगे, और इधर लिखेंगे बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखो सबसे सिंपल केस, एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। कोई मुझे बता सकता है एस ऑर्बिटल की खुद की कौन सी एक्सिस होती है? एस ऑर्बिटल मेरा स्फेरिकल शेप का होता है, उसकी कोई एक्सिस होगी क्या? नो सर, हम बोलेंगे उसकी खुद की कोई एक्सिस होती नहीं, तो उसकी कंबाइनिंग एक्सिस किसी भी एक्सिस के अलोंग उसको कंबाइन करवा दो, एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस चलेगी, एस ऑर्बिटल ऐसे होते स्फेरिकल, एक एस ऑर्बिटल को दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन करवा दो, कोई भी हो एस ऑर्बिटल उसके दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन करवाओगे किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो वो ओवरलैप होगा और क्या बॉन्ड बना देगा हमको? सिग्मा बॉन्ड, हमको हमेशा सिग्मा बॉन्ड वो दे देगा। एस का तो स्पेशल फीचर है ये, एस हमेशा, एस सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड बनाता है, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अगेन नेक्स्ट, एस को किसके साथ ओवरलैप करवा रहा हूं, एस को किसके साथ ओवरलैप करवा रहा हूं, पी एक्स के साथ, है ना। अब मुझे बताओ मैं कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखूं कि बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाए? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, है ना। तो हमें कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखनी चाहिए, एक्स एक्सिस, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कैसे देखो, ऐसे इधर तो मेरा एस ऑर्बिटल है, ये रहा, उसकी खुद की बेचारे कोई एक्सिस होती नहीं, इधर मेरा पी एक्स है ना, अब ये दोनों भाग के आए एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर से भाग के आए, इधर से भाग के आए, हेड से हेड कोलाइड हुआ और बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ऐसा होगा हमेशा, देखो बॉन्ड बनता है तो एक ही साइन के साथ उसका होना चाहिए ओवरलैप, ऐसा नहीं होगा दो दो साइन के साथ ओवरलैप हो रहे, तो एक ही साइन के साथ ओवरलैप हुआ। एस का तो हम लोग कोई साइन कंसिडर कर नहीं रहे, इसका एक ही साइन के साथ ओवरलैप हुआ, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, और हमारे को हमारा बॉन्ड मिल गया, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसलिए मिला क्योंकि Px ने अपनी अपनी खुद की एक्सिस, मतलब खुद की एक्सिस x एक्सिस थी, उसके अलोंग ही क्या किया, उसके अलोंग ही कंबाइन हुए, तो खुद की एक्सिस और कंबाइनिंग एक्सिस सेम थी इसलिए सिग्मा बॉन्ड बन गया। सपोज करो y एक्सिस के अलोंग ये कंबाइन करते, तो पहली चीज तो y एक्सिस के अलोंग बॉन्ड नहीं बनता, क्यों, क्योंकि Px की एक्सिस क्या है, x एक्सिस, और ये y एक्सिस के अलोंग कंबाइन हो रहे, मतलब ऐसे कि है ना, ऐसे देखो, ये तो था हमारा s ऑर्बिटल, है ना, ये तो मेरा s ऑर्बिटल था और इधर ये रहा px, अब ऐसे y एक्सिस के अलोंग कंबाइन हो रहे हैं, यूं जा रहे हैं, वो इधर से भाग के आ रहा है, इधर से भाग के जा रहा है, तो देखो ऐसे कंबाइन होंगे, दो साइन के साथ ये ओवरलैप होगा, दो साइन के साथ ओवरलैप होगा, उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, दो साइन के साथ ओवरलैप होगा, हो रहा है ना, दो साइन के साथ ओवरलैप, यस सर, थोड़ा प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा माइनस के साथ, तो कभी भी दो साइन के साथ ओवरलैप हो तो बॉन्ड नहीं बनता, है ना, सेम साइन ओवरलैप हो तो ठीक है, अब एस का या तो प्लस साइन मानो या माइनस मानो, तो हम बोलेंगे यहां पर नो बॉन्ड, मान लो एस का प्लस है, एस का हमेशा प्लस ही मानो, एस प्लस था तो प्लस के साथ ओवरलैप हुआ, अब एस प्लस था
तो एस प्लस था तो एस ने प्लस के साथ भी ओवरलैप किया, माइनस के साथ भी ओवरलैप किया, वो नहीं चलेगा, सिर्फ एक साइन के साथ ही ओवरलैप होना चाहिए। अब जैसे मान लो जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं, जेड एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस कौन सा है, देखो एक्स वाई एक्सिस तो स्क्रीन के प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस स्क्रीन के प्लेन के बाहर, जेड एक्सिस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ओवरलैप हो रहे। सपोज करो पी एक्स तो ऐसा का ऐसा ही है, और पी वाई ऊपर से आ रहा है, ऊपर से इसके ऊपर पटक दिया, ऊपर से इसके ऊपर पी वाई पटक दिया, तो ऊपर से देखोगे तो थोड़ा ऐसा ऐसा दिखेगा, दिखेगा क्या ऊपर से देखोगे तो हल्का हल्का ऐसा दिखेगा सर, पीएक्स और पीवाई का, पीएक्स और एस का हम लोग ओवरलैप करवा रहे हैं। देखो लिखा तो है साइड में कॉलम वन में एस प्लस पीएक्स, वही चल रहा है, बस हम बस कंबाइनिंग एक्सिस बदलते जा रहे हैं, एक बार एक्स एक्सिस था, एक बार वाई एक्सिस था, एक बार जेड एक्सिस था। तो देखो इधर प्लस साइन था एस का, इधर इस लोब का प्लस, इधर इस लोब का माइनस, तो यहां पर देखो एक तो यहां पर ओवरलैप हुआ और एक यहां पर ओवरलैप हुआ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, बोले नो बॉन्ड, तो एस पी एक्स के साथ कौन सी एक्सिस के अलोंग करेगा तभी बॉन्ड बनेगा, एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई और सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला। सेम ऐसा ही केस है एस प्लस पी वाई में, एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करा एस और पी वाई के साथ तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के देखो ये पी एक्स था, ये सॉरी ये तो एस था, और पी वाई कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा पी वाई, यस सर, यस सर, ये ऐसे 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 आ रहे हैं भाग के एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इधर से भाग के आ रहा है, ये यू भाग के जा रहा है ना, देखो कैसा दिखेंगे, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा और ओवरलैप होगा एस के साथ तो ऐसा है ना। अब साइन भाई इसका एक प्लस होगा एक माइनस, इस एस का एक प्लस, तो भाई ये दो दो साइन के साथ ओवरलैप हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। ऑब्वियसली हमारी कंडीशन ही यही है कि कंबाइनिंग एक्सिस और ऑर्बिटल की एक्सिस सेम होनी चाहिए। अब अगेन देखो अगर वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाऊं तो ये पी वाई है और एस ये रहा, अब वाई एक्सिस के अलोंग भाग के आ रहे हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग भाग के आ रहे हैं ऐसे, मान लो ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो बॉन्ड बन जाएगा, यस सर, यस सर, तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि देखो पी वाई की खुद की एक्सिस वाई थी और कंबाइनिंग एक्सिस में यहाँ पर वाई है, तो हम बोलेंगे यस, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग करेंगे तो, जेड एक्सिस के अलोंग करेंगे तो देखो ऐसे दिखेंगे, ये पी वाई था, अब इसको ऊपर से इस पे ले जाके एस गिरा दो, ऊपर से ले जाके इसके ऊपर एस गिरा दो, तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया बीच में ना, इसका कॉन्टेक्ट हट गया था, ऊपर से ले जाके एस गिरा दो, तो देखो ऐसा दिखेगा, ऊपर से गिराएंगे तो, यस सर, अबे यार ठीक है, ऊपर से गिराएंगे तो ऐसा ओवरलैप होगा, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड बोलेंगे, नो बॉन्ड। ऐसे ही एस और पीजेड को मिलाए तो क्या होगा, जल्दी से बोलो एस पी जेड के साथ क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा एस प्लस पी जेड, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग, एक बार जेड एक्सिस के अलोंग, क्या होगा, नो बॉन्ड, एक्स और वाई के लिए नो बॉन्ड, जेड के लिए सिग्मा बॉन्ड, एक्स और वाई के लिए नो बॉन्ड, जेड के लिए सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्लियर है कि भाई साहब एस और एस को मिलाएंगे, देखो इन रिजल्ट्स को याद रखोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, हमने समझ तो लिया ही है,
बट कंडीशंस फिर भी क्लियर होनी चाहिए. हम बोलेंगे एस और एस को मिलाएंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा. एस को पी के साथ मिलाएंगे तो हमें पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा. अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग पी वाई है, तो वाई एक्सिस के अलोंग, और पी जेड है तो जेड एक्सिस के अलोंग. समझ गए? यस सर. समझ गए? ठीक है. अब देखो हमने एस का एस के साथ ओवरलैप कर लिया, एस का पी के साथ कर लिया, अब किसका किसका करें? पीएक्स पीएक्स. अब हम पी का पी के साथ करते हैं, पी का पी के साथ. अब कंडीशन सारी देख लो, कंडीशन देखो. हम बोलते हैं अगर पीएक्स का पीएक्स के साथ ओवरलैप करना हो, या फिर पीवाई का पीवाई के साथ ओवरलैप करना हो, या फिर पीजेड का पीजेड के साथ ओवरलैप करना हो, हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना ही है. तो px का px के साथ ओवरलैप कौन सी डायरेक्शन में करूं? कंबाइनिंग एक्सिस क्या हो? x-axis. तो हम बोल रहे हैं कि भैया हमारी कंबाइनिंग एक्सिस x-axis ही होनी चाहिए, क्योंकि हेड ऑन या फिर ये क्या नाम दिया था, हेड ऑन या फिर कोएक्सियल ओवरलैपिंग में मैंने बोला था इन दिस एक्सिस, इन दिस यहाँ पर कॉमा एक एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज सेम एज देयर कंबाइनिंग एक्सिस. ऑर्बिटल का एक्सिस और कंबाइनिंग एक्सिस हमेशा सेम होना चाहिए, है ना. अब हमारा को पता है px का एक्सिस क्या है x, तो कंबाइनिंग एक्सिस में हमें x ही रखना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड. ऐसे ही py का py के साथ करेंगे तो बोलो y एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, y एक्सिस में रखेंगे तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और pz का pz के साथ में z एक्सिस रखेंगे तभी हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा. बना के भी बता देता हूं मैं रफ डायग्राम. जैसे px है, इधर px से इसका मिलन हुआ, तो देखो साइन सेम होनी चाहिए, माइनस तो ये प्लस, तो प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप कराएंगे तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन जाए. ऐसे py py मिलाना है तो ऐसे मिला दो कि py ये है, दूसरे py के साथ मिलेगा, मान लो ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा. समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. चलिए अब इनके, अब है ना हम इनको क्या बोलते हैं, इनके हम पेयर बना रहे, पीएक्स का पीएक्स के साथ, पीवाई का पीवाई के साथ, पीजेड का पीजेड के साथ. अभी क्रॉस पेयर बनाते हैं, जैसे मान लो पीएक्स का पीवाई के साथ बना दिया, पीएक्स का पीजेड के साथ बना दिया, पीवाई का पीजेड के साथ बना दिया. क्रॉस पेयर में और कोई पॉसिबिलिटी बची है? सब बन गए ना, और कुछ थोड़ी बचा है. बोलो. हाँ सर. नहीं बच, ठीक है. अब देखो ये px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही px और pz भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, py और pz भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसमें बताओ मैं कौन सी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराऊं कि बॉन्ड बन जाए. तो px बोलता है मेरी एक्सिस के अलोंग कराओ, py बोलता है मेरी एक्सिस के अलोंग कराओ. मतलब कंबाइनिंग एक्सिस हम px और py में कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखूं कि सिग्मा बॉन्ड बन जाए. जैसे सपोज करो px और py को ओवरलैप करवाना है, तो हमेशा ऐसे ही ओवरलैप होगा इस तरह का, प्लस प्लस माइनस माइनस, हमेशा दो परपेंडिकुलर p एक्सिस होगी, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होंगे, उसमें ऐसा ही ओवरलैप होगा हमेशा. यस सर. तो हम बोलते हैं कि इनका एक्सिस कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखे, तो मैंने बोलता हूं क्या रखो, एनी, जैसे यहां पर भी लिखा था सबसे ऊपर एनी एक्सिस, वैसे यहां पर भी एनी रख दो, कंबाइनिंग एक्सिस एनी एक्सिस, बॉन्ड क्या होगा? नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला. समझ में आ गई बात? बोलो. यस सर. चलिए अब हम लोग देखो, हमने एस का एस के साथ करा दिया, एस का पी के साथ करा दिया, पी के भी आपस में पी के साथ कर लिया, अब क्या बचा?
क्या बचा अब? बोलो बताओ यार, आप क्या बचा? कुछ तो बोलो, अब किसकी ओवरलैपिंग बच गई? एस को एस के साथ मर्ज करा के देख लिया, एस को एस के साथ मर्ज करा के देख लिया, एस को पी के साथ मर्ज करा के देख लिया, पी को पी के साथ मर्ज करा के देख लिया। आप किसको मर्ज करा के देखें? बी डी को। अब देखो डी को मर्ज करा के देखना है। डी में देखो मेरी बात ध्यान कान खोल के सुन लो, ये बात हमें माननी पड़ेगी। क्या मैं नहीं मानो तो भी तुम करके देख सकते हो, बट मैं तो डायरेक्ट एज ए फैक्ट बता रहा हूं। क्या कि सर्वेश कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें? बार बार ऑडियो ऑन ऑफ कर रहे हो। डी में सिर्फ इकलौता एक ही ऐसा डी ऑर्बिटल होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। डी में सिर्फ एक ही ऐसा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक। देखो डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी जेड स्क्वायर। पांच होते हैं डी में, बट डी में इकलौता एक ही है। कौन? डी जेड स्क्वायर। बस डी जेड स्क्वायर ही मेरा ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बस। बाकी और कोई सा डी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखो तो एक बार एस को डी जेड स्क्वायर के साथ करवा दो ओवरलैप, है ना। मैं इस एक्सिस को जेड एक्सिस मान रहा हूँ, है ना। इस बार मैं ना ये वाली एक्सिस को मान रहा हूँ जेड एक्सिस। हमेशा स्क्रीन के परपेंडिकुलर मानता था, बट इस वाले लास्ट वाले केस में मैं ऐसा मान लेता हूँ ये जेड एक्सिस है। कहीं भी मान लो उसमें क्या है, एस को डी जेड स्क्वायर के साथ ओवरलैप करवा दिया। तो बताओ डी जेड स्क्वायर के साथ एस को ओवरलैप करवाने के लिए कंबाइनिंग एक्सिस में क्या रखूं कि सिग्मा बॉन्ड बन जाए? जेड एक्सिस रखनी पड़ेगी, क्योंकि डी जेड स्क्वायर की खुद की एक्सिस जेड एक्सिस है। तो देखो देखो डी जेड स्क्वायर ऐसा दिखता है, डी जेड स्क्वायर ऐसा दिखता है। ऊपर से मेरा एस ऑर्बिटल आया और उसने डी जेड स्क्वायर के साथ ओवरलैप कर लिया, इधर बढ़िया से ओवरलैप हुआ और हमारे को कौन सा बॉन्ड मिल गया? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही पी में कौन से पी की डी जेड स्क्वायर के साथ ओवरलैप करवाऊं के बॉन्ड बन जाए? कौन से पी की डी जेड स्क्वायर के साथ ओवरलैपिंग कराऊं के बॉन्ड बन जाए? पी जेड। पी जेड की जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनाना है। तो देखो पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग ऐसा दिखेगा और डी जेड स्क्वायर तो ऐसा होता ही है, तो इनकी यहां पर ओवरलैपिंग हुई एकदम बढ़िया सी। साइन सेम रखने है ना, जैसे ये प्लस, नहीं उल्टा बोल दिया, माइनस, प्लस प्लस प्लस, है ना। तो हमारे को सिग्मा बॉन्ड मिल गया। ऐसे ही लास्ट वन इज क्या है, वो पूरा पेपर ले लेते हैं ना। डी में किसका कराऊं? डी जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का ओवरलैप करवाओ जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो भी हमें सिग्मा बॉन्ड मिल ही जाएगा। देखो ये रहा, तो यहां पर भी हम लोग क्या मिल रहे हैं, हमारे को क्या मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने तुम्हें बता दी है। मैं वापस से एक बार रिकॉल कर देता हूं सब चीजें। सबसे पहला एस और एस को किसी भी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवा दो, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एस और पी में एस और पी एक्स का एक्स एक्सिस के अलोंग, एस और पी वाई का वाई एक्सिस के अलोंग, एस और पी जेड का जेड एक्सिस के अलोंग, तो सिग्मा बॉन्ड। पी और पी में पी एक्स का एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई का वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड का जेड एक्सिस के अलोंग, तो सिग्मा बॉन्ड। डी के साथ ओनली डी जेड स्क्वायर बनाएगा, उसमें एस का डी जेड स्क्वायर कंबाइनिंग एक्सिस जेड है, पी जेड का डी जेड स्क्वायर कंबाइनिंग एक्सिस जेड है, डी जेड स्क्वायर का डी जेड स्क्वायर कंबाइनिंग एक्सिस जेड है, तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के फंडे क्लियर है? बोलो यस। चलिए हमने सिग्मा बॉन्ड जो बनाना था बना लिया। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सेकेंड टाइप है हमारी ओवरलैपिंग का, सेकेंड क्या लिखा था ऊपर वाले में, वैसा ही लिखेंगे। हाँ, फर्स्ट लिखा था कोएक्सियल या फिर हेड ऑन। सेकंड देखो, सेकंड भी इंटरेस्टिंग है हमारे पास, सेकंड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड इज
कोलैटरल है ना, या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस केस एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू देयर कंबाइनिंग एक्सिस। देखो जब हमारी हेड ऑन या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर कोएक्सियल ओवरलैपिंग थी, उसमें तो बोला था कि भैया सेम रहेगा एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल और कंबाइनिंग एक्सिस, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है कंबाइनिंग एक्सिस और मेरा एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट, इट रिजल्ट्स in the formation of results in the formation of pi bond or delta, delta मतलब ऐसा ही delta। कोई बोलेगा सर आप तो अभी तक pi pi बोल रहे थे, आपने तो नया bond और बता दिया delta। हाँ दो type के bond बन सकते हैं यहाँ पर, pi भी बन सकता है delta भी बन सकता है। delta delta bond के बारे में तो कोई नहीं पूछता, pi ध्यान रखें है ना, थोड़ा बहुत मैं बता भी दूंगा delta के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है ना, स्टार मार्क कर देता हूं इस पॉइंट पर, क्या है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड है ना। पहली चीज तो ये बात ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है, पाई या सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सो इट नेवर formed alone, always formed with sigma bond। हम बोल रहे हैं कभी अकेला नहीं बनता है, बनेगा तो सिग्मा के साथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे ऐसा होता है स्कूल स्कूल में कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो दो बच्चे हैं, एक एक थोड़ा पहलवान टाइप का है, एक थोड़ा ना थोड़ा कमजोर है, तो जो जो पहलवान टाइप का होता है या तो वो अकेला लड़ाई करने चल जाता है, अब वो कमजोर वाला बच्चा है वो लड़ाई करने जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, या तो पहलवान वाले के साथ जाएगा, यार तू मेरे साथ चल भाई तभी मैं लड़ाई करूंगा, नहीं तो अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा। सेम वैसा ही सीन है कि भाई मैं अकेला तो नहीं बनूंगा, अगर सिग्मा मेरे साथ बन रहा होगा तो मैं उसके साथ बन जाऊंगा। मतलब जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल में तीन तरह के बॉन्ड बन रहे, दो मॉलिक्यूल नहीं दो एटम, या तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो जो अकेला बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा हमेशा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। दो होंगे तो एक सिग्मा एक पाई, तीन होंगे तो एक सिग्मा दो पाई, दो पाई ठीक है, एक होगा तो एक सिग्मा, दो होगा तो एक सिग्मा एक पाई, तीन होंगे तो एक सिग्मा दो पाई, ऐसा ही चलेगा है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया था सेम इधर भी मैं बना के बता देता हूं तुम लोगों को। देखो मैं ऐसा ही वही बॉक्स बना के बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्बिटल है ना, एक तो पी वाई है दूसरा भी पी वाई, एक पी वाई है दूसरा भी पी वाई है ना, इन दोनों की खुद की एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, बट ये ऐसे कंबाइन हो रहे, कौन सी एक्सिस के अलोंग कंबाइन हो रहे, एक्स एक्स एक्सिस, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब देखो इसमें भी वही सेम रूल है, कंबाइन होने वाला ऐसे कंबाइन हो गए है ना, कि भाई साहब यहाँ पे दोनों के साइन प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस,
ओवरलैप हो गए, कौन से वाले में बॉन्ड बनेगा? ऊपर वाले, ऊपर वाले में। हम बोलेंगे भैया यहाँ तो है पाई बॉन्ड और नीचे है नो बॉन्ड। पाई बॉन्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसलिए मैंने बोल दिया पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। पाई बॉन्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसलिए मैंने बोल दिया पाई बॉन्ड इधर बनेगा। बट नीचे वाले में तो साइन ही सेम नहीं है ना, बॉन्ड बनने की मिनिमम जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो साइन सेम होने चाहिए ऑर्बिटल। समझ गए? बोलो। यस सर। चलिए अब इसमें भी अगेन वही कॉलम वॉलम बना के बढ़िया से समझते हैं हम लोग। ध्यान से समझो मेरी बात को। इसमें तो दो पेपर पे काम हो जाना चाहिए। स्कूल स्कूल ओपन होने का कब है तुम लोगों का, कोई है आइडिया किसी को? बोलो, किसी को कुछ आइडिया है? प्रिपरेटरी ऑफलाइन दे रहे सर। क्या कौन सा क्या ऑफलाइन दे रहे हो? प्रिपरेटरी एग्जाम, वो जो स्कूल में होते हैं बीच बीच में वो टर्म वाले एग्जाम, फर्स्ट मिड टर्म टाइप वाले, वैसे प्रीलिम्स सर। अच्छा वो जो फाइनल एग्जाम से पहले होते हैं वो? हाँ सर। तो ऑफलाइन ऑफलाइन स्कूल में जाके देते हो तुम लोग? हाँ सर, देना है बोला है। अच्छा देना है, कब होगा ये एग्जाम? जनवरी में, अभी आज आएगा डेट शीट पता नहीं। ओहो बढ़िया है। तो वो तुम्हारे पे शक है स्कूल वालों को, तुम है ना चीटिंग करो घर पे बैठ के, इसलिए तो पढ़ के चले जाना फिर। देखो अब मुझे बताओ एस और एस को कौन से एक्सिस के अलोंग और मैं कंबाइन करूं कि वो पाई बॉन्ड बनाए? बताए। बनाएगा ही नहीं। हाँ वो पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, है ना। किसने बोली ये बात? क्रिस्टीन। ठीक, वो पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं क्योंकि हम तो पहले बोल चुके हैं एस और एस को एनी एक्सिस कंबाइन कर दो, कोई भी एक्सिस हो वो हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। अब एस का तो फंडा ही खत्म हो गया, एस तो कभी पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, एस कहीं भी आ जाए पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है अब हम पी और पी को ओवरलैप करवाते, पी और पी को। तो देखो अगेन केस देखो मेरा, जब पी को जब है ना ये क्रॉस क्रॉस वाले पेयर बनाए थे, सेम वाले नहीं, जब क्रॉस वाले जैसे पी एक्स को पी वाई के साथ, पी एक्स को पी जेड के साथ, पी वाई को पी जेड के साथ, उसमें तो फंडा क्लियर था कि एनी एक्सिस कराओ तो क्या बनेगा, क्या था? नो बॉन्ड। अब देखो अब सेम वाला फंडा करते हैं, पी एक्स को पी एक्स के साथ ओवरलैप करवाते हैं, पी एक्स को पी एक्स के साथ ओवरलैप करवाए, कंबाइनिंग एक्सिस अगर एक्स रख रहे थे पहले तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अब पी एक्स की खुद एक्सिस है एक्स, अब हमें कंबाइनिंग एक्सिस परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी ताकि पाई बॉन्ड बना लू। तो कंबाइनिंग एक्सिस परपेंडिकुलर के दो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स एक्सिस रखो या वाई एक्स जेड एक्सिस रखो, सॉरी वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऐसा होगा कि भैया ऊपर से पी एक्स आ रहा है, नीचे से पी एक्स आ रहा है वाई एक्सिस के अलावा, तो इसमें ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, ऐसे बताते हैं पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैप हो गए तो पाई बॉन्ड हमारे को मिलेगा, दोनों ही केस में क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड। क्लियर है फंडा? यस सर। ऐसे ही पी वाई को पी वाई के साथ ओवरलैप करवाए तो एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस या फिर जेड एक्स। ऐसे ही पी जेड को पी जेड के साथ ओवरलैपिंग करवाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो P का P के साथ फंडा क्लियर है? बोलो यार।
एस तो कभी पाई बनाएगा नहीं, तो उसको तो भूल जाओ। अब पी में जब क्रॉस वाले कपल बनाए थे तब एनी एक्सिस में नो बॉन्ड, अब पी एक्स का पी एक्स के साथ एक्स एक्सिस में सिग्मा, बचे हुए दो एक्सिस में पाई, पी वाई का पी वाई के साथ वाई एक्सिस में सिग्मा, बचे हुए दो एक्सिस में पाई, पी जेड का पी जेड के साथ जेड एक्सिस में सिग्मा, बचे हुए दो एक्सिस में पाई। अब पी का डी के साथ आ जाओ, तो पी का डी के साथ क्या होगा, पी का डी के साथ बड़ा जबरदस्त है, यहां पर सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल को मैं बहुत धुआंधार समझाऊंगा, बहुत खतरनाक तरीके से एकदम धुआंधार, उसको बढ़िया से समझे फिर तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, है ना। पी एक्स को डी एक्स वाई के साथ इसको अच्छे से समझ ले, एक समझ में आ गया तो फिर हो जाएगा। अब देखो यह है मेरा डी एक्स वाई और यह है मेरा पी एक्स, डी एक्स वाई में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमारा बनता है डी एक्स वाई, और ये हो गया मेरा पी एक्स। अब देखो मान लीजिए इसका साइन मैं नहीं बता रहा, भी ना साइन लगा दिए तो फिर लफड़ा हो जाए, हमेशा हमें ऐसा ही ओवरलैप करवाना है कि साइन सेम रहे। अब देखो मान लो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाऊ, एक्स एक्सिस के अलोंग आकर ये मिल रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे, दिस इज डी एक्स वाई एंड दिस वन इज पी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं इनको ओवरलैप कर रहा हूं तो आई थिंक कुछ ऐसा ओवरलैप होना चाहिए। ये देखो हल्का सा ओवरलैप यहाँ पे किया, हल्का सा यहाँ पे किया, सपोज करो इनके जो साइन है वो ऐसे हैं, ध्यान से सुनो सब, प्लस इसका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, ये वाला भी माइनस ही है, इसका साइन ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, क्या इसमें बॉन्ड बनेगा? नो सर, हम बोलेंगे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, नो बॉन्ड। क्यों एक्स एक्सिस में नो बॉन्ड क्यों है? अपोजिट साइन है, हाँ, पी का एक ही साइन डी के दो दो साइन से ओवरलैप हो गया। अब अगेन अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात, वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवा रहे हैं, है ना, ये था डी एक्स वाई, है ना, इधर ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, है ना, और ऊपर से कौन आया, ऊपर से आया पी एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, ये इसका प्लस, ये उसका माइनस, यहां पर ये ओवरलैप हुआ और एक यहां पर ओवरलैप हुआ, क्या पाई बॉन्ड बनेगा? यस सर, हम बोलेंगे यस 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 यस, पाई बॉन्ड बनेगा। y एक्सिस में वही है, सेम साइन ओवरलैप कर रहे हैं, एकदम कोलैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग हमारी हो रही है। ऐसे ही तुम अज्यूम करो, थोड़ा सा अज्यूम करो, इनको z एक्सिस के अलोंग करो, मतलब जो dxy है ना उसमें ऊपर से px को पटको, ऊपर से px को पटको, बताओ क्या होगा? ऊपर से px को पट के अज्यूम करो, dxy में ऊपर से px को पटको अज्यूम करो, क्या होगा? नहीं बनेगा, नो बॉन्ड, हम बोलेंगे नो बॉन्ड, z एक्सिस में नो बॉन्ड। समझ में आया कैसे बना पाई बॉन्ड? यस सर, यस सर। चलिए ऐसे ही मैं सपोज करता हूं पी वाई को डी एक्स वाई के साथ, दिस इज डी एक्स वाई एंड ये है पी वाई, इनको मैं कैसे ओवरलैप कराऊं, किस एक्सिस में ओवरलैप कराऊं कि ये बना दे मेरे पाई बॉन्ड को, बताओ, ये डी एक्स वाई है, ये पी वाई है, एक्स एक्सिस। हम देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, इन इस एक्सिस के अलोंग इनको मिला दे तो इसका साइन देखो, मान लो ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये ओवरलैप करेंगे ये लोग? यस सर, यस सर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। अब अज्यूम करो, तुम खुद ही सोचो, अगर इनको मैं वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाऊ, मतलब कुछ ऐसा,
ये डी एक्स वाई है और ये ऊपर ये पी वाई है, वाई एक्सिस ऊपर से वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहे हैं, क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग? नो बॉन्ड। ऐसा ही तुम अज्यूम करो जेड एक्सिस में, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है चलो इतनी बात समझ आती। अब लास्ट एक और बताओ, है ना, हम पाई बॉन्ड में सारी पॉसिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, हम पाई बॉन्ड में सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पाई बॉन्ड बनने की। सपोज करो मैं पी जेड को डी एक्स वाई के साथ लू। अब देखो अज्यूम करो ये तो मेरा डी एक्स वाई है, ये तो मेरा डी एक्स वाई है। अब पी जेड कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर स्क्रीन से ऊपर स्क्रीन से नीचे ऐसा होगा बिल्कुल, इसमें तो मैं ऐसा बना दे रहा हूं, दिस इज पी जेड। बोलो डी एक्स वाई के एकदम परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल डी एक्स वाई के एकदम। यस सर। यस। तो इसमें कौन सी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराऊं के बॉन्ड बन जाए बताओ? बॉन्ड नहीं बनेगा सर। तो इसमें हम बोल देंगे नो बॉन्ड, किसी भी एक्सिस में करवा लो बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि पीजेड तो परपेंडिकुलर आ गया ना बिल्कुल ही, वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा ओवरलैप? समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब देखो अब है ना एक चीज और तुम मुझे बताओ, मेरे पास है ना पी एक्स भी है, मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी। व्हाट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? ये है और px क्या है? px ये है ना। थोड़े डायग्राम मेरे दिखने में हो सकता है खूबसूरत ना लगे, बट ठीक है इतने भी बेकार नहीं है, मान लो ऐसा है। अब देखो अगेन x एक्सिस के अलोंग करवा रहा हूँ, y एक्सिस के अलोंग करवा रहा हूँ, z एक्सिस के अलोंग करवा रहा हूँ, तो मुझे बताना है कौन सी एक्सिस के अलोंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है मेरा डी सॉरी पी एक्स। मुझे बताओ वाई एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनेगा क्या? पी एक्स को ऊपर से ले जाके पटक दो स्क्रीन से, परपेंडिकुलर उठाओ पी एक्स को, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाके पटक दो, क्या एक्स जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनेगा? नो सर। हम बोलेंगे नहीं। तो कोई बोलेगा कि सर ओवरलैप हो तो रही है दो दो लोब्स। अरे भाई दो लोब्स ओवरलैप हो रही है बट बॉन्ड क्यों नहीं बना? साइन अपोजिट है, एक का साइन एक का साइन सेम है बट दूसरे का अपोजिट, इसलिए बॉन्ड नहीं बना। वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाए तो नो बॉन्ड। नो बॉन्ड। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग भी नो बॉन्ड होता है। कोई बोलेंगे सर नो बॉन्ड क्यों है, ओवरलैप हो तो रहा है। तो देखो इसका रीजन कुछ और है, इसका रीजन कुछ और है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो यार ये तो बड़ी ही बेकार बन गई, इसको तो हटाते हैं। बढ़िया है, साइन भी सेम है, ओवरलैपिंग भी हुआ है, अच्छा। तो हम बोलते हैं नो बॉन्ड बिकॉज ओनली वन लोब, ब्रैकेट में लिख देता हूं, आउट ऑफ फोर इज ओवरलैप्ड। देखो हम बोलते हैं कि कम से कम 50% लोब का ओवरलैप्ड होना जरूरी है। जैसे पी में दो लोब होती है तो एक ओवरलैप हो जाए, डी में चार लोब होती है तो एटलीस्ट कितनी लोब ओवरलैप होनी चाहिए? दो लोब का ओवरलैप होना जरूरी है। तो सिर्फ एक लोब ओवरलैप होगी तो उतनी अच्छी मर्जिंग नहीं होगी कि उसको हम लोग बॉन्ड कंसीडर कर ले, इसलिए हम लोग उसको बॉन्ड नहीं मानेंगे। समझे? बोलो। यस सर। यस। चलिए अब एक और जबरदस्त एग्जांपल, अब दो और बताएंगे फिर उसमें हमारा खेल खत्म। तो देखो सबसे खतरनाक यही है डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, इस पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, है ना। देखो मैं तुम्हें एक बार शक्लें दिखा देता हूं, वैसे शक्लें तो तुम्हें पता ही है,
बट फिर भी मैं एक बार शक्लें दिखा देता हूँ. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. दिस इज डी एक्स वाई एंड दिस इज डी एक्स वाई. ये डी एक्स वाई है, ये भी डी एक्स वाई है. मुझे बॉन्ड बनाने एक बार एक्स एक्सिस के लो, एक बार वाई एक्सिस के लो, एक बार जेड एक्सिस के लो. बताइए किसमें क्या बनेगा. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा ये. करिए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए. एक्स में बन सकता है, एक्स में बनेगा. बस वाई में भी, वाई में भी. ठीक है ठीक है ठीक है. तीनों में बने, तीनों में बनेगा. सर लेकिन एक्स और वाई का क्या, एक्स और वाई का. देखो देखो इतना चिंता में बताओ. सिग्मा टाइप्स हो जाएगा ना वो, पाई बॉन्ड तो पैरेलल रहता. देखो मैंने तुम्हें पहले एक चीज बोली थी, डी में सिर्फ एक ही डी होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है. वो कौन होता है? बाकी में तो सोचना ही नहीं है, बाकी में तो दिमाग ही नहीं लगाना. बस अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो अब है ना, साइन को तो हम एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो बॉन्ड बनाना है तो मैं तो साइन एडजस्ट करूंगा. जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हूं, तुम्हें बोला है बॉन्ड बनाओ तो तुम तो साइन एडजस्ट कर करके बना दो बस. प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, बढ़िया से बॉन्ड बनेगा एकदम. कौन से एक्सिस के अलोंग हम आ रहे थे, कौन से एक्सिस के अलोंग कंबाइन हो रहे थे? एक्स एक्सिस. कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड. अब कोई बोला सर वाई के वाई में भी तो करके बताओ. अरे बता रहा हूँ. देखो ऐसा 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 ऐसा. अब देखो साइन में लगा तो अपनी मर्जी से. प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस, बढ़िया बराबर. सारे साइन सेमी सही है, हो रहे हैं ओवरलैप. देखो वाई के डायरेक्शन से आए हूं मैं, है ना. तो ये वाई वाला डायग्राम इधर देखे तो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड. समझ आ रही है बात? यस सर. अब कोई बोलेगा सर ठीक है एक्स वाई का तो सही है, मुझे आ रहा है समझ, आप में हिम्मत तो जेड का करके बताओ. तो मैं बोला रुक जा बता रहा हूँ. तो देखो मैं बताता हूँ, है ना. अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा देखो ध्यान से. ये मेरा एक है, ये मेरा एक और है. ये मेरा क्या है, ये मेरा डी एक्स वाई है. ये मेरा एक और डी एक्स वाई है. साइन वही लगा दो. प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस. दो डी है. अब इन दोनों को जेड एक्सिस के अलावा ओवरलैप करवाना है. तो एक डी को बिल्कुल ऊपर दूसरे वाले डी के ऊपर ले जाके पटक दो. तो सारे के सारे सेम सेम साइन ओवरलैप हो जाएंगे. देखो ये वाला इससे ओवरलैप हो रहा होगा, ये इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे. ऐसे ओवरलैप होंगे. यस सर. तो जेड एक्सिस में ओवरलैपिंग देखनी है वो ये वाला डायग्राम देखे. तो देखो जब चार चार लोब ऐसे एकदम चार चार लोब ही बिल्कुल बराबर कंबाइन हो जाए तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड. मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी तो सर, डेल्टा बॉन्ड हमारे को मिलता है. समझे या नहीं समझे बोलो सर. हाँ
बोलो जेड एक्सिस में ओवरलैप करते वक्त बोथ शुड बी परपेंडिकुलर. बोथ शुड बी परपेंडिकुलर मतलब वन अबाउट द अदर. हमारे को देखो सिंपल सा फंडा है कि एक्स वाई है, ये भी डी एक्स वाई है. अब जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर का मतलब है वो दोनों जेड एक्सिस के डायरेक्शन से भाग के आ रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं. ये है डी एक्स वाई का जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग कंबाइन करवा रहे हैं. सिंपल. अब परपेंडिकुलर हो ना हो, अभी हमको मान लो डी वाई जेड दे दिया, जेड एक्सिस के अलोंग कंबाइन होंगे तो वो परपेंडिकुलर थोड़ी होंगे फिर. हाँ सर. जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कंबाइन हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग और एक बार जेड एक्सिस के अलोंग. मैं एक बार मैं शक्ल बना के दिखा देता हूँ कैसे होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देखो ऐसे दिखते हैं. ऐसे ही दिखते हैं. अब मुझे बताओ बताओ क्या होगा. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नो बॉन्ड और जेड एक्सिस में डेल्टा बॉन्ड. देखो एक्स एक्सिस में नो बॉन्ड, वाई एक्सिस में भी नो बॉन्ड, जेड एक्सिस में चारों लोब बराबर एकदम हो जाएगी तो डेल्टा बॉन्ड. अब कोई बोलेगा कि सर ये नो बॉन्ड क्यों है एक्स वाई एक्सिस में, बताओ क्यों है नो बॉन्ड. एटलीस्ट 50% तो हाँ, एक एक लोब ओवरलैप होगी. एक्स एक्सिस में जाओगे एक लोब ओवरलैप होगी, वाई में जाओगे एक लोब ओवरलैप होगी, तो उसमें नो बॉन्ड बोलेंगे, बाकी में डेल्टा. कहानी समझ आ रही है? देखो मैंने है ना सारे केसेस नहीं पढ़ाए पाई केसेस, तो दुनिया भर के केस बन सकते हैं, बट हमें अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो हम कर लेंगे. तो पाई कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो. यस सर. चलिए अच्छी बात है. अब हम लोग नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. जो मैंने बोले हैं ना वही मैं पॉइंट लिखूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा. बट तुम इलेवंथ के बच्चे हो तो तुम्हें सब लिखवाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखवाएंगे सिर्फ बोलते ही जाएंगे तो तुम भूल जाओगे. चलिए पॉइंट नंबर वन, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, इतना क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो हम बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सिग्मा, फिर डेल्टा और सबसे वीक होता है पाई. हमारे सिलेबस में डेल्टा वेल्टा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा और पाई ही है. फिर भी ऑर्डर याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा है, देन पाई, सॉरी देन डेल्टा, देन सिग्मा, कोवेलेंट बॉन्ड में. ठीक है. पॉइंट नंबर सेकंड, इफ वी आर कंपेयरिंग, इफ वी आर कंपेयरिंग बिटवीन सेम एलिमेंट्स देन बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो? बोलो. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो ना? हाँ सर. कि अगर सेम एलिमेंट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जैसे मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे ही ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ये बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये बॉन्ड लेंथ वाई है. कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? एक्स. जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सेम एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर होना चाहिए, एबी और एबी के बीच में ही कंपेयर कर रहे हैं तो हम बता पाएंगे. पॉइंट नंबर थर्ड, एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड. एस हमेशा सिर्फ क्या बना सकता है? सिग्मा. फोर्थ पॉइंट, पी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. फिफ्थ पॉइंट, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल
कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड सिक्स्थ पॉइंट. रिमेनिंग फोर डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैन फॉर्म पाई एंड डेल्टा बॉन्ड. मतलब एस और डी जेड स्क्वायर सिर्फ सिग्मा बना सकते हैं, पी सिग्मा और पाई, और बचे हुए चार डी पाई और डेल्टा. क्लियर है इतना? यस सर. पॉइंट नंबर सेवन जो सबसे अजीब सबसे खतरनाक पॉइंट है, हम बोलते हैं रोटेशन अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब आई एन ए, शॉर्ट में आई एन ए बोलते हैं. आई एन ए काफी पॉपुलर टर्म है केमिस्ट्री में. आई एन ए का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. रोटेशन अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल वेयर एज इन पाई बॉन्ड इट इज नॉट पॉसिबल. कोई बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हो, क्या रोटेशन, कौन सा रोटेशन? बता रहा हूं. तो देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर का एक्सिस का मतलब होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस. जैसे मान लो एक ये है पी, एक दूसरा है पी, ये तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कौन से, देखो रेड से मार्क कर रहा हूं, दिख रहे हैं न्यूक्लियस? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस, तो ये दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस ये क्या है, दिस इज आई एन ए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, मतलब अगर हम लोग इसके अलोंग अगर इसको पकड़ के घुमाएंगे या रोटेट करेंगे तो ये घूम जाएगा, मतलब बॉन्ड भी मेरे घूमेंगे, है ना, ऐसा होगा. बट पाई बॉन्ड में हम लोग बोलते हैं कि अगर पाई बॉन्ड होता है लाइक ऐसा है, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड में ओवरलैप हो रखे हैं, यहां से ये ओवरलैप हो रखा, ओवरलैप्ड रीजन है ये. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाली, ये आई एन ए है, ये आई एन ए. इसके अलावा हम लोग रोटेट करेंगे तो ये नहीं घूमेगा, मतलब रोटेशन इधर पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे तो बोलते हैं हम लोग रोटेशन जो है पॉसिबल है, यहाँ पर बोलते हैं जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है. ऐसा क्यों है, जैसे मान लो तुमने है ना दो पैन पकड़ लिए अपने हाथ में परपेंडिकुलर, तुमने अपने दोनों हाथ में, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर. ये किसी का मैसेज आया है सर, ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है. कौन है ये तुम्हारा ही बच कर? जी प्रीतिश, प्रीतिश ने मैसेज किया है क्या? कहाँ है प्रीतिश, पता नहीं क्या बोल रहा है. आ रही है वॉइस, आ रही है? यस सर. पता नहीं कौन है भाई, जो भी ये पढ़ लो, खुद खुद का पढ़ लो भाई, दूसरे में दिमाग मत लगाओ. हाँ तो देखो हमने बोला कि सिग्मा बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल होता है, पाई में नहीं होता. देखो इसका मतलब एक तरह से ऐसा है कि जैसे मान लो तुमने है ना दो पेन ले लिए, परपेंडिकुलर पकड़ रखे उनको, है ना, परपेंडिकुलर ऐसे पकड़ रखे, ऐसे टेबल पर दो पेन को एकदम वर्टिकली रख दिया और उन दोनों पेन को बीच में से है ना ऐसे चिपका दिया. सपोज करो उनको दोनों तरफ से है ना एक दो दो लकड़ी के टुकड़े लिए या लकड़ी की दो स्टिक ली और हॉरिजॉन्टली उन दोनों पेन पर एकदम ठोक दी, है ना. जैसे मान लो ये दो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास पेन थे, लकड़ी की दो स्टिक ली और ऐसे ठोक दिया उनको, ऐसे और ऐसे, मतलब ये बॉन्ड बन गया उनके बीच में, पाई बॉन्ड. अब एक पेन को पकड़ के रखो
और दूसरे को घुमाने की कोशिश करो तो क्या घूमेगा दूसरा वाला पेन? नहीं, नहीं घूमेगा, है ना। बट तुम ऐसा ही रखो, एक पेन ऐसा है दूसरा पेन ऐसा है, इनके बीच में स्टिक लगा दी। अब एक पेन को तुम घुमाओगे तो इजीली रोटेट होगा ये पूरा सिस्टम ऐसे? यस यस सर। तो वैसे हम बोलते हैं कि हम लोग पाई बॉन्ड होता है तो रोटेशन नहीं कर पाते, सिर्फ अकेला सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेशन हो जाएगा। अगर पाई सिग्मा एक साथ है तो रोटेशन नहीं होगी कभी भी, वो रोटेट होने ही नहीं देगा। पाई बॉन्ड हमेशा रोटेशन में टांग अड़ाता है, क्योंकि उसमें जो रोटेशन की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन के अलोंग उसको बॉन्ड बना है ना, वो परपेंडिकुलर है। सिग्मा में ऐसा नहीं होता, रोटेशन की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बना है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इजीली रोटेट हो जाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है, मतलब वही दो पेन परपेंडिकुलर रोटेट इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं यू, बट जो बॉन्ड है वो ऐसे बने हुए हैं तो रोटेट नहीं होने देंगे। बट सिग्मा में क्या है, बॉन्ड भी ऐसे हैं, सब लोग एक ही डायरेक्शन में, कंबाइनिंग एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस सब एक ही है, तो इजीली हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे। या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। चलिए तो देखो हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क तो हमारा देखो कुछ भी नहीं है ऐसा, केमिकल बॉन्डिंग वन आई थिंक हमने पूरा पढ़ लिया है। केमिकल बॉन्डिंग वन की शीट कोई देख के बता सकता है सेक्शन के नेम क्या क्या है? बोलो। डी बचा सर। डी बचा ना, तो केमिकल बॉन्डिंग वन कंप्लीट कर सकते हो तुम, केमिकल बॉन्डिंग वन कंप्लीट कर सकते हो होमवर्क में पूरा, ठीक है? सैटरडे तक, सैटरडे तक यार, सैटरडे तक तो हो नहीं पाएगा तुमसे, मतलब संडे लास्ट तक दे दो मेरे को, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है फिर, बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय सर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।